स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। राज कचौड़ी खाना किसे पसंद नहीं आता, पर वो घर में हलवाई से ज़्यादा अच्छी बन जाए तो कैसा रहे। तो आज मसाला किचन के अंदर यही बनाएंगे और ये देखिए इस कचौड़ी का रिजल्ट। ये देखिए, ये राज कचौड़ी इतनी बढ़िया, इतनी क्रिस्पी है, इसे आप तोड़ी यही आवाज आती है। अब इसके अंदर भरिए। देखिए यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, ये लिए मैंने सूजी, आधा कप सूजी लिया है मैंने, और ये सूजी जो है ना थोड़ी मोटी है। आपने नोटिस किया होगा एक बहुत महीन आती है जिससे हम हलवा वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी मोटी वाली सूजी है। ये हाफ कप है, या आप एक घर में छोटी सी कटोरी ले सकते हैं। इसमें ले रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, 1 टेबल स्पून मैदा। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। कोई मोयन, कोई नमक हमें कुछ नहीं डालना है। हल्का गर्म पानी हम ले रहे हैं, हाफ कप मैं ले रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि कितना पानी इसमें यूज़ हुआ। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। ये देखिए इस कंडीशन में हमें इसे रखना है। करीब 20 मिनट इसे ढक के रख देते हैं और पानी 1/4 कप लगा है। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि हमें किस कंडीशन में चाहिए। इसे हम एक गीले कपड़े से, हल्के गीले कपड़े से ढक देते हैं 20 मिनट के लिए। अब ये देखिए काफ़ी अच्छा सख्त हो गया है। हमने इसे काफ़ी थोड़ा सा गीला रखा था लेकिन सख्त हो गया है। अब इसके इस तरीके से 4 पार्ट कर लेते हैं। 3 को हम वापस ढक देते हैं, 1 पार्ट को लेते हैं। यहाँ पर लगाइए थोड़ा सा ऑयल और इसे बेल लीजिए। इसे अच्छा पतला बेलिए। अब आपकी चॉइस है आप कितनी बड़ी बनाना चाह रहे हैं। घर में कोई भी कटोरी हो आप इस टाइप से काट लीजिए। जो साइज़ आपको अच्छी लगती है आप उस साइज़ की बनाइए। ये देखिए, आप देखेंगे पतली कितनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसके ऊपर भी ना हल्का सा गीला कपड़ा रख दीजिए। वापस थोड़ा सा ऑयल लगाइए और दूसरी साइड ऑयल रख दीजिए गरम करने के लिए। काफ़ी अच्छा गरम ऑयल चाहिए हमें। ये देखिए इसकी कंडीशन, ये देखा आपने। छोटी सी ट्रिक है, आपको फुल फ्लेम पे डालकर और छन्नी से या जो भी झारा रहता है उससे ना आप थोड़ा सा हल्के से दबाइए, बस इसी तरीके से। ये देखिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है। मैंने एक हलवाई से फाइनली इसकी जो ओरिजिनल इनकी रेसिपी होती है वो मैंने देखी और काफ़ी देर उससे ये बात मैंने समझी। अभी तक तो हम लोग मोयन डालते थे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब डालते थे। ऐसा कुछ भी नहीं डालना है आपको, एक चीज़ भी नहीं डालना है। और ये देखिए इसकी आप कंडीशन देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि ये मार्केट से ज़्यादा अच्छी है और घर में इतनी सस्ती पड़ती हैं। आधा कप अपने सूजी से काफ़ी सारी बन जाती हैं, ये देखिए। और बना के आप रख सकते हैं, अगर घर में किट्टी पार्टी हो, कोई मेहमान आने वाले हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले बना के रखिए और उसे पहले खुली हवा में ठंडा होने दीजिए, फिर उसे क्रिस्प होने तक बनाइए। ये देखिए आप देख रहे हैं कितना बढ़िया मज़ा आ रहा है ना।
आज तक देखी थी इतनी बढ़िया राज कचौरी? ये एक तरीके से ये बड़ा सा गोलगप्पा है, बहुत बड़ा, और अपना साइज़ के हिसाब से आप अपने हिसाब से छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, जैसी भी आपको बनानी है उस हिसाब से आप बनाइए। और एक चीज़, दो तीन ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने कचौड़ी को, मतलब जब इस पूड़ी को डाला, तब फुल फ्लेम थी और उस छन्नी को मैंने यूँ नीचे तक रखा। जैसे ही ये फूल गई, उसके बाद मैंने पलटा। अब मैं इसकी मीडियम फ्लेम, थोड़ी सी फ्लेम कम करती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाए। और इसका जो बेस होता है ना, इतना बढ़िया सिकना चाहिए कि उसे खाया जा सके। कई कई जगह आपने देखा होगा राज कचौरी में हर चीज़ होती है, फिलिंग इतनी मज़ेदार होती है, सब कुछ अच्छा, लेकिन नीचे का बेस जो होता है ना, बहुत ही बेकार सा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ है इसका बेस बनना। आपने देखा, आधा कटोरी मैंने सूजी बनाई थी, उसमें से मैंने 4 से 5 ये बनाई हैं, और अभी ये 5 से 6 और बन जाएंगे। तो बहुत ही सस्ती बनती है घर में, और इसमें हमने कोई अंदर मोयन नहीं डाला। ये सारी ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए, आपके भी बनेंगे बहुत ही बढ़िया। तो अब हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं, हमें क्या क्या फिल करना है वो हम देखते हैं। अब इसकी फिलिंग के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही डालना है, पर मैं जो डाल रही हूँ वो बता रही हूँ। यहाँ लिया मैंने बॉयल आलू, इसे मैंने मैश कर लिया है। मेरे पास उबले चने थे काले, तो मैंने वो भी डाल रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है स्प्राउट्स, ये भी डाल रही हूँ मैं। और एक चीज़ और, हम अक्सर कई बार इसके अंदर एक एक चीज़ डालते हैं, तो वो मज़ा नहीं आएगा। आप फिलिंग पूरी बना के रखिए और उसके अंदर फिल कीजिए, तो बहुत अच्छी लगेगी। आप अगर प्याज खाते हैं तो आप प्याज भी लीजिए, बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने। यहाँ पर लिया है मैंने अदरक, अदरक को लंबा लंबा काट लिया, सर्दियों में अदरक खाना भी चाहिए और अच्छी लगती है। हरी मिर्च, यहाँ लिया मैंने हरा धनिया, और ये लिया है मैंने नींबू का रस। इन सब में डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये बूंदी भीगी हुई है इसे भी हम मिला लेते हैं। इन सब को हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी सी फिलिंग है, इसके बहाने आप खूब सारे स्प्राउट्स, काले चने उबले हुए, काफ़ी कुछ खा सकते हैं, और फुल मील हो जाता है। अगर राज कचौरी खाएं तो बहुत ही बढ़िया लगता है, पेट भी भरता है और बड़ा अच्छा लगता है। इन सबको मिक्स कर दीजिए, और मेरे पास है इसके साथ में जो सर्व होगा, ये है हरी चटनी, इसकी रेसिपी मैंने डाली है। ये है मीठी चटनी, इसकी भी मैंने डाली है। ये है फेटा हुआ दही, इसमें पानी न डालें। और मैंने लिया है यहाँ पे बारीक सेव, नायलॉन वाला जो सेव होता है, वैसे मैंने इसकी रेसिपी भी डाली है, आगरा का दाल मोठ बनाया है। और ये है मैंने अनार छीला है, इसमें देखिए इसको हमने इस तरीके से तोड़ दिया है, बहुत फाइन है, पतली है, तो ये बहुत ही क्रिस्पी है। इसके अंदर आप काफ़ी अच्छे से इसकी फिलिंग भरिए। इसके अंदर हरी चटनी, चाहते तो आप इस मसाले में भी हरी चटनी, मीठी चटनी भर सकते थे। थोड़ी सी मीठी चटनी यहाँ पर, वापस दही, वापस थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ी सी खट्टी चटनी, बारीक सेव और अनार। ये बन गया राज कचौरी।
आ रहा है ना मुंह में पानी इसे देखकर, और इसका बेस लाजवाब है। मैं फिलिंग के लिए कुछ नहीं कह रही क्योंकि फिलिंग आप अपने मन की बनाइए, लेकिन बेस ऐसा ही बनाइए, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस इस तरीके से आप कब बना रहे हैं जरूर बताइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर।